देखो पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में ये महापंचायत बुलाएगी और पूर्वी राजस्थान के करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा इस जिलों से बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए और अभी यहाँ की जो कोर कमेटी वो बैठ के तय करेगी कि आगे का किस रूप में जाना है, क्योंकि वॉलंटियर्स कितने जाएंगे, ट्रैक्टर्स कितने जाएंगे, उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी, साझा बॉर्डर पर कैसे पहुँचेंगे और यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक दल वहाँ पे जाएंगे, ये अब नौजवानों को तय करना है। और इसमें मोटा मोटी ये है कि आम किसान नौजवान की जिस ढंग से भागीदारी हुई है उससे हम बहुत उत्साहित हैं। पूरे देश के किसान आंदोलन में ये महापंचायत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो बातचीत से ही हल निकलेगा, मान प्रतिष्ठा सरकार न बनावे, स्वाभिमान जितना खोने की षड्यंत्र रचा जा रहा था किसानों के स्वाभिमान के साथ खेल के बातचीत से हल निकलेगा, बातचीत जारी रहनी चाहिए। अभी आगे क्या रणनीति तो आंदोलन जारी रहेगा, दिल्ली के जितने भी मोर्चे हैं वे लगे हैं। बहुत बड़ी पंचायत थी, लोग स्वतः अब अपने आप अपने साधनों से पहुंचे हैं, जो शुभ संकेत है किसानों के लिए। एक क्रांति सी मैं देख रहा हूं दौड़ती गई है, पूरे उत्तर भारत में किसान जागरूक हो गया है, उठ चुका है, वो चाहता है कि सरकार उनकी बात माने और लोकतंत्र में होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री को जनमत के आगे झुकना चाहिए, एक कदम पीछे लेना चाहिए, सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, ये हमारी मांग है। जो कुछ भी गाजीपुर के पीछे बीते दिनों में घटनाएँ थीं, एक तनाव पैदा हुआ था, हर किसान के घर में यही चर्चा थी कि कैसे आगे का रास्ता अंधकार में निकल के गुजरेगा, और कहीं ना कहीं एक रोशनी दिखाई दी, लोगों में एकता बनी है। चौधरी अजीत सिंह जी ने जो पहल की बहुत लोगों को उससे हिम्मत मिली है और ये आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है ये उसी के संकेत हैं।